क्या आप रोज़ एक ही तरह के खाने से बोर हो चुके हैं? तो चलिए आज बनाते हैं कुछ अलग, कुछ चटपटा सा पनीर टिक्का रोल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का रोल। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैरिनेशन के लिए एक बाउल में मैंने कर्ड लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, काला नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, कसूरी मेथी। सबका मैं जो मेज़रमेंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। नमक हम डालेंगे, इसके बाद भुना जीरा पाउडर, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सत्तू, आप इसके जगह बेसन डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और आधे नींबू का रस, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल एकदम अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, तभी इसका स्मोकी फ्लेवर आएगा आपके पनीर टिक्का में। इसके बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, अनियन, और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे येलो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें पनीर मिक्स करना है। तो यहाँ मैंने पनीर लिया है, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। साइज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मुझे रोल में भरना था इसलिए मैंने थोड़ा छोटा साइज़ रखा है। अगर आप डायरेक्ट पनीर टिक्का खाने वाले हैं तो आप इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा बनाएं। तो इसे अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है होल व्हीट आटा, इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अब डालेंगे नमक और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है, आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप जैसा पराठे का डो तैयार करते हैं वैसा डो तैयार कर लें। तो चलिए अब हम टिक्का बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैरिनेशन भी तैयार है। अब यहाँ पे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक नॉनस्टिक पैन, जिसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप घी या बटर में भी बना सकते हैं। ये जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं पनीर टिक्का का जो मटेरियल है वो इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो एक ग्रिलर में या फिर आप अवन में भी इसे बना सकते हैं। इसके बाद इसे आपको मीडियम आंच पे पकाना है। तो बीच बीच में आप इसे पलटते रहें और इस तरह से आपका जो है वो तैयार हो जाएगा टिक्का। तो ये देखिए हमारा पनीर टिक्का बन गया है। अब इसके बाद रोल के लिए हम पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक गोला लिया है, इसे सूखे आटे से डस्ट करेंगे हम और थोड़ा छोटा रोटी जैसा बेलेंगे, और इसके बाद इसमें हम थोड़ा घी लगाएंगे। घी लगाने से आपका जो पराठा बनेगा वो बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेगा और जो रोल है वो भी एकदम सॉफ्ट लगेगा। तो देखिए इस तरह से आपको बंद करना है और इसे आप बेल लें, और बस इसे अब आपको तवे पे पका लेना है दोनों साइड से। यहाँ पे आप पराठे को अच्छी तरह से पका लें, क्योंकि इसके बाद हम इसे सेकने वाले नहीं हैं।
इसे हम डायरेक्ट ही फिलिंग डाल के रोल करेंगे। तो इस तरह से आप बाकी सारे पराठे को बना लें। अब चलिए हम रोल तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा लिया है, इसके बीच में हम फिलिंग डालेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं, चीज़ ऐड कर सकते हैं, पर पनीर टिक्का में सारे मसाले हैं अच्छी तरह से, तो ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की। अब इसे हमें टाइटली रोल करना है। तो बाकी पराठों को भी आपको इसी तरह से रोल कर लेना है। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार लंच तैयार हो गया। तो आज कुछ डिफरेंट लंच में तो बन गया। चलिए आप जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।